बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह को लेकर आई है ये खबर, कन्फेशन। अमृता सिंह का सैफ अली खान को लेकर हो रहा है वायरल, जिसमें अमृता सिंह ने ये कन्फेस किया है कि वो कितनी इनसिक्योर रही हैं। जी हाँ, वो कितनी इनसिक्योर रही अपने हस्बैंड सैफ अली खान को लेकर रिवील भी उन्होंने किया कि वो कैसे ओवर पॉजिटिव रहती थी। उम्र में सैफ से, पति से बड़ी होने के कारण अमृता हमेशा इनसिक्योर महसूस करती थी। सैफ ने दूसरी शादी करीना से की, लेकिन दूसरी शादी करने से पहले ही अमृता के साथ उन्होंने चीटिंग की वजह से अमृता के साथ अपने रिश्ते में दरारों का सामना किया था। रिपोर्ट्स कुछ ऐसे कहते हैं, सैफ और अमृता की शादी के बाद सारा इब्राहिम का जन्म हुआ। सारा इब्राहिम अभी भी सैफ की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अमृता से सैफ कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, जो करीना चाहती हैं कि वो रखे ताल्लुकात। करीना से शादी के बाद सैफ के दो और बच्चे हुए, तैमूर और जहांगीर, जिन पर भरपूर प्यार लुटाती हैं सारा और लुटाते हैं इब्राहिम। सेमी ग्रेवाल के शो में अमृता ने जो कहा था, इस वक्त हो रही हैं चर्चाएं। लोकेशंस जो डेंजरस होते थे, आउटडोर शूट वाले, उस बारे में बात करती हुई अमृता नजर आई थी। सैफ अली खान को लेकर चिंतित हमेशा ही वो पॉजिटिव वाइफी भी रही, वल हमेशा गार्ड डॉग रही है अमृता सैफ की ज़िंदगी में। जब तक उनकी शादी टिकी हुई थी, यानी कि 2004 तक इनके बीच जो रिश्ता था, उसमें अपने पति के लिए वो हमेशा गार्ड डॉग रही, ताकि बेवकूफ़ ना बने वो और उनके हस्बैंड उन्हें चीट ना करें, हर चीज़ के लिए रोक टोक। Are you trying to tell me that if you are there all the time, nothing could have happened? Please, I mean, you know, we can't fool ourselves. Women have to stop fooling themselves. Seriously, believe that being a guard dog can stop you. यानी कि सैफ का ये कहना था, अगर पत्नियाँ चिपक कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पति को वो बचा कर रखेंगी। पति के पीछे पड़े रहना, पति को रोकना, कहीं ना जाने देना, पति के साथ ओवर पॉजिटिव होना, पति को नहीं रोक सकता है चीट करने से, या फिर आप पत्नियां खुद को बेवकूफ़ ना बनाएं। ये कहना था अमृता को लेकर सैफ अली खान पर चौधरी का। अमृता ने कहा, ये फन नहीं है, मैं इस बारे में कहना चाहूँगी बार बार कि मैं इनसिक्योर रहती थी, ऐसा कहना था अमृता सिंह का। यहाँ पर अमृता सिंह का कहना था कि सच में ऐसा होता है। नेक्स्ट 9 लाइव श्रुतिक रिपोर्ट के साथ बता दें, अमृता ने एक्सेप्ट किया था, एडमिट किया था कि वो सैफ को लेकर बहुत इनसिक्योर होती थी। अमृता ने कहा था, मैं झूठ कहूँगी अगर ये कहूँगी कि मैं सैफ को लेकर इनसिक्योर नहीं रही। ये बिल्कुल सही था, हमारे बीच प्रॉब्लम्स थे, हमारे बीच झगड़े थे, जो नॉर्मल होते हैं। महिलाओं को जिस तरह इनसिक्योरिटी होती है, वो नॉर्मल था। मैं लड़ती थी, झगड़े करती थी, नॉर्मल्स था महिलाओं की तरह, जो मैं करती थी सैफ के लिए, सैफ पर गुस्सा करती थी। नेक्स्ट 9 लाइव स्क्रिप्टिंग रिपोर्ट।